बादल और हमारा सेम लेवल हो गया अभी। गुरेज जो सबसे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वहां पे एक काबुल गली है। आ, देख लेते हैं। यहाँ पे कभी 10 मिनट भी लगता है, 5 मिनट भी, कभी तुरंत भी लगता है। तो यहाँ से गुरेज पड़ता है तकरीबन 80 किलोमीटर। नहीं यार ये नहीं हो सकता भाई। यार मैं श्रीनगर से मतलब पूरा सिटी कवर करके सारा कुछ आपको दिखा के बता के मैं आया हूँ पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने के लिए। पेट्रोल डलवाया और डलवाते ही मैंने कैमरा ऑन किया और देखा कि आवाज ही नहीं आ रही। देखो लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं मिथिला प्रदीप हम जा रहे हैं गुरेज और हमारा टाइम था तकरीबन 9 बजे का, लेकिन अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और हमें यहाँ से लगने वाले तकरीबन 7 घंटे। दोनों के पास बाइक है बढ़िया वाली। मैंने पूरी श्रीनगर के अंदर काफ़ी सारी शॉप पे मैं और अमित भाई कल शाम को गए थे प्रदीप भाई, तो किसी के पास भी इस टाइम कोई बाइक नहीं है क्योंकि बाहर से फॉरनर भी आ रहे हैं और अपने इंडियंस भी आ रहे हैं। तो लास्ट में मिली एक स्कूटी बाइक वगैरह मिल रही थी, एक मुझे BS6 मॉडल 2022 मॉडल हिमालयन, लेकिन वो भाई साहब वो है ना पासपोर्ट मांग रहे थे मेरे को बताओ। मतलब पासपोर्ट पूरे इंडिया के अंदर पहला एक ऐसा बंदा मिला जो मुझसे पासपोर्ट मांग रहा था। तुम्हें मैं कहाँ से लगता हूँ? पाकिस्तान से नहीं लगता तुम्हें? पाकिस्तान से नहीं लगता। कैसे? इंडिया से। मैं कह रहा हूँ अगर तुम यहाँ पे कट मारोगे ना ग्रीन कार्ड मिलेगा। अरे सही में हरियाणा से होगा यार। इस बाइक का अपने का मोजो का इसका कोई ऑयल वगैरह लीक कर रहा है, इसकी कोई आगे वाला डिस्क ब्रेक इधर वाला, तो इसका कुछ अगर हो गया तो 10-15 मिनट के अंदर। दूसरी भाई साहब मैं इसको कितना भगाऊं 80 से फालतू ये जाती नहीं। मेरी तो रेस लगती है इन ऑटो वालों के साथ और ये भाई साहब ये क्रूज कर रहे हैं 120 पे 130 पे। ओहो अरे तो क्या करूं ये 80 से प्लस जाती नहीं है। कितना स्पीड है इसका? 80 से आ रहे हो? मैं 80 स्पीड में आ रहे हो? 80 तो अभी यहाँ पे रोड मिले ना, बाकी यहाँ के जो 70 पे है, 50-60 से आ रहा था। 50-60 से अपने आगे रहे। मुझे ऐसा लग रहा तुम दिखाई नहीं दे 120 प्लस जा रहे थे। अरे जाते हैं ऐसे ही बोलते हैं। खाली रोड मिलने से जाता हूँ ना, खाली रोड कहाँ मिला। इनका जो ब्रेक है ना ये काम नहीं कर रहा, तो मतलब थोड़ा साथ बनाओ वरना ये तो दिखाई नहीं देते। यही तो मैं जिक्र कर रहा था कि मानस बल लेक के पास है, मतलब आए हैं तो थोड़ा सा देख लेते हैं। देख लेते हैं। तीन किलोमीटर ऐसी है। मेरी कॉफी कर रहा है। और बाय द वे यहाँ पे पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं तो माहौल चेक कर सकते हो। धूप है लेकिन ऊपर वाली साइड में बादल है जैसे कि आप पहाड़ को देख सकते हो। भाई साहब निकल जाएँ क्या? यार यहाँ पे लोग है ना बस को बड़ी श्रृंगार के रखते हैं, मतलब ये सारी यहाँ पे प्राइवेट व्हीकल है, गवर्नमेंट की ना तो कोई बस है, कुछ भी नहीं है गवर्नमेंट का यहाँ पे, तो ये सारी प्राइवेट बस है और इनको ये पुरानी काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई है। लेकिन आप इसको देख के ना ऐसे ज़ूम कीजिए कि यार ये जब बनाई गई थी तो इसका श्रृंगार कैसा हुआ करता था। ग्रीनरी देखो ये आ गया है उल्ना लेक, वो वहाँ पे वहाँ पे सारे अभी यहाँ से गुरेज रहता है तकरीबन 80 किलोमीटर और मैं आया हूँ सिर्फ 30 किलोमीटर। श्रीनगर से ये बनकूट है ये सिर्फ 30 किलोमीटर है और मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैंने 40-50 किलोमीटर स्कूटी पे राइड कर ली है। कमर दर्द हो रही है यार स्कूटी के अंदर है ना, बिल्कुल ऐसा बैठ के मतलब ठीक है 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर मैक्सिमम 30 किलोमीटर, नहीं 30 के अंदर तो अभी बस ऐसा हो रहा है कि यार नहीं। लेकिन यहाँ से एक जगह पड़ती है आगे राजधानी, अभी जितनी यहाँ पे धूप है बिल्कुल उससे ऑपोजिट होने वाला है, बिल्कुल ठंडा चिल। यार मैंने सुना था कि गुरेज का रास्ता बहुत खतरनाक है लेकिन अभी रोड देखो आप कैसी है,
आज से कुछ साल पहले अगर आप गुरेज जाते तो आपको लगता है 10 से 12 घंटे, क्योंकि कीचड़ वाला, बिल्कुल पत्थर वाला, यहाँ तक दो दो ढाई ढाई फीट कीचड़, बड़े बड़े खड्डे। लेकिन अभी का माहौल कुछ ऐसा है कि यहाँ पे आप स्पोर्ट्स कार भी चला सकते हो, ऐसी रोड है। कहा जाता है कि कश्मीर का माहौल का और मौसम का कोई पता नहीं, आधे घंटे के अंदर भी यहाँ पे बारिश हो सकती है। तो और दूसरी एक ही वजह कि एक तो लैंडस्लाइड होती है, और दूसरी गुरेज जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो क्योंकि पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर वाला एरिया है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हुआ करती थी पहले। मतलब आवन जावन तो वहीं से होता था, जो भी जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारी चीज़ें वहाँ से होती थी मेन चीज़। तो एक उसकी वजह से खतरनाक है, बाकी थोड़ा सा ना डिटेल के अंदर, क्योंकि वहाँ पे एक काबुल गली है जो बहुत फेमस है, और काबुल से मतलब आप क्या समझेंगे। तो जाके माहौल चेक करते हैं, लेकिन उससे पहले राजधानी जाना है। लेकिन उससे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि ठंडी मतलब जैकेट वगैरह पहननी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा और आनंद लेते हैं ठंडी का। धुआं देखो कितना फेंक रही है यार। हाँ केक, आज तुम्हारा जन्मदिन है, बर्थडे है। नहीं 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 केक नहीं खाना यार। तो इस वक्त मैं डावर के चेक पोस्ट से अभी निकला हूँ जस्ट, और यहाँ पे भाई साहब हर एक चीज़ को चेक किया जाता है, हर एक चीज़ को, बैग के अंदर जितना भी सारा सामान है वो बाहर निकाल के, इवन स्कूटी की जो डिग्गी है उसके अंदर भी, और जिन पे थोड़ा बहुत शक होता है उनके तो जूते वगैरह भी खिलवा देते हैं, तरीके वाली चेकिंग होती है। और यहाँ पे आपको परमिट वगैरह नहीं चाहिए गुरेज जाने के लिए, लेकिन आपको आधार कार्ड चाहिए। तो आधार कार्ड की कुछ इंटरनेट पर वो सबमिट करते हैं आपकी डिटेल वगैरह। वैसे यहाँ पर नेटवर्क वगैरह नहीं रहता, ना एयरटेल का है ना जियो का है, कुछ भी नहीं है, ज़ीरो। तो ये सारा कुछ क्लियर करके मेरे से मांगा फ़ोन, फ़ोन चेक करने के लिए, कहते दिखाओ फ़ोन। अब मैं फ़ोन को मुझे नहीं पता क्या देखेगा क्या निकालेगा, तो फ़ोन दिया, एक कुछ 20-30 सेकंड देखा फ़ोन को, और एक फ़ोटो क्लिक करके दी मुझे। तो मैंने जैसे ही गैलरी के अंदर देखा तो एक बार कोड था, तो मैंने उससे पूछा तो कहते कि ये बार कोड है, ये यहाँ पे आपको जितना टाइम लगा है, 10 मिनट का प्रोसेस होता है ये, जितना टाइम लगे यहाँ से दो चेक पोस्ट और आएंगे आगे, तो उन पे ये बार कोड जो है वो स्कैन होगा और पूरी डिटेल आपकी वहाँ पे उनके पास मिल जाएगी। तो इसकी वजह से फ़ोटो देखते हैं, मुझे वो निशान बता रहा था कि फ़ोन वगैरह चेक करेंगे, मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है यार, मतलब कि कुछ नहीं है, कुछ फ़ोन के अंदर कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ अगर। तो अभी रुका हूँ मैं यहाँ पे, वेट कर रहा हूँ अमित का और प्रदीप का। कॉल लगने के अंदर कितना टाइम लगता है यहाँ पे? यहाँ पे कभी 10 मिनट भी लगता है, 5 मिनट भी, दस कभी तुरंत भी लगता है कॉल। मतलब कॉल का कोई पता नहीं है, BSNL की सिम है, और यार मुझे जाना है, तो कहते हैं जाओ आराम से 10 मिनट चिल करके आओ, तब तक फोन लगेगा, अनेबल टू कनेक्ट। यहाँ का लोग ज्यादातर जाता है श्रीनगर। श्रीनगर नहीं, बाहर सबसे बढ़िया, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर सबसे बढ़िया शहर कौन सा लगता है आपको? गया ही नहीं कभी। नहीं, फिर भी कहीं पे देखा होगा, फोन के अंदर, टीवी के अंदर, कहीं पे भी, कहीं नाम सुना होगा? नाम तो सुना है, पर बोल रहे राजस्थान में मजा है। राजस्थान में मजा है? हाँ। किस टाइप का मजा है राजस्थान में? पता नहीं, मेरा एक दोस्त गया था, हाँ, उसने बोला वहाँ मजा है राजस्थान में। हाँ, मतलब कि यहाँ पे पहाड़ है, मौसम ठंडा है, तो हाँ। राजस्थान क्या है, यहाँ से बिल्कुल ऑपोजिट है, हाँ। वहाँ पे रेगिस्तान है, तो यहाँ के लोगों को रेगिस्तान ज्यादा अच्छा लगता है। सही 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 है ना? सही। हाँ, तो यहाँ से मेरे को कितना टाइम लगने वाला आगे? अभी आपको 2 घंटा लगेगा राजस्थान तक, या गुरेज तक। राजस्थान गुरेज, गुरेज भाई राजस्थान भेज रहे मेरे को। राजस्थान तो आगे रास्ते में आएगा, राजस्थान, राजस्थान पोस्ट। तो वो वहाँ सबसे ज्यादा बर्फ यहाँ गिरता है, वही राजस्थान टॉप। तो विंटर के अंदर यहाँ पे सारा बर्फ वाला हो जाता है? कितनी यहाँ पे स्नोफॉल होती है, बर्फ कितनी होती है यहाँ? होता है 7 फीट। 7 फीट राजस्थान पे होता है हाईएस्ट 10-12 फीट। तो रास्ता ब्लॉक होता है, बंद होता है? ब्लॉक होता है 6 महीने के लिए। 6 महीने गुरेज का जो रास्ता है वो सारा बंद, 6 महीने के लिए खुला। ओके जी, मिलते हैं आपसे आते वक्त, टाटा बाय बाय। तो
अभी हम आए हैं राजस्थान के पास, ये पीर बाबा की मज़ार है और यहाँ पे मंदिर भी है, मंदिर और मज़ार एक साथ में। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है, जो देखने वाली चीज़ है, वो यहाँ की मीडोज़ है, यहाँ की लोकेशन है। आप थोड़ा सा लोकेशन देखिए, बाकी बॉयज़ आ गए मतलब लेट किया यार, लेकिन आप जगह देखिए पहले। बाकी हम अभी चलते हैं अंदर मजार की ओर। क्या कितना अंदर आओगे? इसको बड़ा शौक है वो लोग के अंदर आने का। इस साइड आओ ना, ये हमारा क्या बोलते हैं जेदे, हाँ जेडी भाई। और भाई राम राम, सब बढ़िया। जेडी भाई का स्टार है वो। तो ये यहाँ पे मंदिर, हनुमान जी की भी मूर्ति है और गुरु नानक देव जी की भी है। और इस पूरी एक जगह पे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मज़ार भी है, तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको पूरे इंडिया के अंदर, मुझे नहीं लगता कि और किसी पूरी पूरे वर्ल्ड के अंदर, मंदिर मस्जिद चर्च वगैरह गुरुद्वारा वगैरह आपको एक जगह पर देखने के लिए मिलेगा। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर मंदिर भी है और गुरु नानक देव जी की फ़ोटो भी है, पूजा उनकी भी होती है, और बिल्कुल साथ में एक ही छत के नीचे यहाँ पे मज़ार भी है पीर बाबा जी की। तो ये बड़ी एक पॉजिटिव थॉट है। और मैं अंदर आया था तो जब आरती हो रही थी, आरती भी की हमने, यहाँ पे भी आए, तो एक पॉजिटिव जो एनर्जी होती है, जो मुझे नहीं लगता कि आप किसी को बयां कर सकते हो, कि ऐसी एनर्जी होती है, एक ऐसा पॉजिटिव आपके अंदर थॉट आने लगते हैं, तो वो चीज़ मैंने, हम सभी ने यहाँ पे, मैंने, अमित भाई ने और प्रदीप ने, तीनों ने वो चीज़ आराम से फील की। और ये पॉसिबल होता है यहाँ पे इंडियन आर्मी की वजह से। बेसिकली इनका कहना ये है कि जब पीर बाबा आए थे वो 35 साल के थे, पाकिस्तान से आए थे, और तकरीबन 8-10 महीने उनको ढंग से खाना नहीं मिला था। तो जब भी यहाँ पे कोई आता था तो उनको कहते थे कि यार खाना खाना खाना, तो इस हिसाब से उनकी ज़िंदगी बसर हुई, उन्होंने जिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यार यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से। और इस जगह पे ऐसा मानना जाता है कि यार जब भी कोई दुआ लेके आता है ना, जब भी कोई प्रार्थना लेके आता है, तो उसकी दुआ पूरी होती है, कबूल होती है, उसकी विश जो होती है वो पूरी होती है। मतलब ये दुआ विश एक ही बात है ना, दुआ दुआ ही कहते हैं ना, दुआ। हाँ दुआ, तो उसका उर्दू का थोड़ा सा ना, थोड़ा सा उसको ढीला है। बाकी ये देखिए डिटेल इनका तो लिखा, हाँ डिटेल सारी लिखी हुई है यार। 10 मिनट के लिए रुके थे यहाँ पे और 1 घंटा हो गया है। और अभी आर्मी वगैरह कह रहे हैं कि जल्दी निकल जाओ क्योंकि आगे रास्ता बहुत ख़राब है। वैसे रोड भी है लेकिन जहाँ पे मौसम अगर ख़राब होता है तो रास्ता कुछ ज़्यादा, मतलब स्कूटी के लिए बढ़िया नहीं है। और बाकी यहाँ पे वॉशरूम वगैरह तरीके से, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पे, और व्यू वैसा, व्यू तगड़ा है, व्यू बहुत तगड़ा है। क्या आप कछुआ देखना चाहेंगे? बड़ा सारा कछुआ, ये देख लो कछुआ। ये मतलब पहले फोटी चल रही थी और ये वाला पैच भाई साहब स्कूटी के लिए ना इतना बेहद गंदा है कि अगर मैं इसे 20 से प्लस करूँगा ना, पहले बात तो जाएगी नहीं क्योंकि 11,000 की फिट पे हम आ गए हैं, और अगर जाएगी तो बिखरेगी। मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि मुझे स्कूटी नहीं देनी पड़ेगी जहाँ से मैंने रेंट की। भाई यार ये मौसम देखो यार, मतलब व्यू देखो, अगर यहाँ पे ड्रोन अलाउ होता ना तो आप देखते, उस साइड में देखो। तो ये है राजस्थान पास, मैं 11,000 फिट कैट का बोल रहा था लेकिन यहाँ पे तो कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, अभी देखा था 11,672। लेकिन यहाँ से जो व्यू आता है ना, इस साइड से भी नीचे को और उस साइड, मतलब आप बिल्कुल टॉप पे खड़े हो आप, तो जैसे कि देख सकते हो आप, अरे ओ मतलब बाइक ला रहे चौड़े हो रहे, मतलब मेरे पास स्कूटी है ना। इस साइड में देखो यार, आपको थोड़ा सा ना ढंग से दिखाते हैं। तो आए हैं हम राजस्थान पास, राजस्थान पास का क्या बोलते हैं इसे, स्टूपा, कमीज टचिंग द स्काई,
इन ग्लोरी। तो फिलहाल हम लोग 11,672 फीट पर। 11,672 फीट। जैसे शाम होती जा रही है वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही है, लेकिन जितना कहते हैं कि राजस्थान टॉप पे ठंडी होगी उतनी ठंडी नहीं थी। अभी हाथ थोड़े थोड़े सुन्न हो रहे हैं, थोड़े थोड़े। और अभी यहाँ से हमारा रहता है तकरीबन 2-2.5 घंटे, किलोमीटर का एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन अगर घंटों के हिसाब से बताऊँ तो 2 घंटे मान के चलो, 1.5 घंटा करो, और इतने में अंधेरा हो जाएगा। और यहाँ से राजस्थान टॉप से अभी हमें जाना है नीचे की ओर, तो ब्रेक वगैरह स्कूटी के मैं कह रहा हूँ वो देखो नीचे देखो, ओहो बिल्कुल नीचे वैली का जो एंड पॉइंट है ना, अब देख लो आप कहाँ भी जाना है। और इसकी लाइट भी बड़ी कमज़ोर सी है, मैंने कुछ दिन में चेक नहीं की, नहीं ठीक है इतनी ठीक है बाकी बाइक्स हैं। मतलब स्कूटी वगैरह यार लेके आ सकते हो अगर बढ़िया न्यू स्कूटी, अगर आपको 2022 मॉडल मिल रहा है तो बढ़िया है, वरना हाँ तो ये भी गई, लेकिन ये थोड़ी सी वो उसकी हालत थोड़ी सी है ना वो वाली है, तो ठीक है। बाजता चोर का झंडा ही अच्छा, मतलब कुछ नहीं से अगर कुछ नहीं मिलता तो उससे सही है। चाय बन रही है ब्लैक टी, क्या बात है। यहाँ पे कौन रह रहा है, जगह देखा सबसे खूबसूरत जगह है गुरेज वैली अभी तक, जहाँ पे कहीं पहलगाम, मतलब पहलगाम भी एक अलग लेवल पे है, पहाड़ है वैली है रोड है, लेकिन जो बनाने का जो तरीका है ना, ऐसे कहूँगा कि बनाने का ऐसा लगता है कि किसी ने बैठ के आराम से डिज़ाइन करके बनाया है कि ये चीज़ यहाँ पे आई प्रॉपर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, लगा दो लगा दो। तो भैया अभी हम पहुँचे हैं श्रीनगर से डावर, और ये पड़ता है 150 किलोमीटर। आज भाई साहब जो राइड किया ना आपके भाई ने स्कूटी होते हुए भी, बाइक के साथ पहुँचा हूँ मैं, मज़ा आ गया आज तो तरीके वाला। लेकिन एक चीज़ मिस होगी, जैसे ही हम राजस्थान पास किए तो उसके बाद में जो अंधेरा था वो आ गया, तो थोड़ा सा हमने व्यू मिस कर दिया। बाकी हम यहाँ पे लॉज पे पहुँच गए, हमें तो बाइक का कोई जानकार था कि यहाँ पे इस लॉज के अंदर रुको, तो अभी आपको यहाँ पे लोगों से मिलवाते हैं। आते ही बातें हो रही है भाई, आते ही बातें हो रही है। ये रूम यहाँ पे, वैसे हमने रूम दो देखे यहाँ पे, इस डिसन नाम है ना ब्रो, डिसन इकोलॉज के अंदर, लेकिन हमें पसंद आया एक बड़ा सा हॉल, तो जहाँ पे बेड वगैरह नहीं है, क्या करे बेड वगैरह नहीं है, लेकिन ये हमने चूज़ किया कि बेड वगैरह ना हो, क्योंकि नीचे सोने का यहाँ पे गद्दे वद्दे बिछा के मज़े से। तो ये है हमारे साथ ब्रो, आपका नाम क्या है जी? शराफत। शराफत, अरे क्या बात है, मतलब पहली बार नाम सुना लेकिन नाम अच्छा है आपका, शराफत मतलब ज़ुबान पे चढ़ने वाला नाम है, जल्दी से इजीली आप भूलोगे नहीं शराफत। ये तो बार नाम जब माला जब्त हो गया तुम शराफत की। तो पहल के ब्रो क्या कर रहे हो? सांप बना रखी है बिल्कुल, ज़ू 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 पर कतई कर रहा आज तो लौंडा कमाल कर दियो भाई लौंडे ने। अरे भाई आज स्कूटी चलाई है ना भाई से पूछो, स्कूटी में फ्लो तोड़ दिया उन्होंने सही की तुम भी चले। आज की राइड कैसे कैसे लगी भाई साहब? आज की राइड याद रहेगी यार, खासकर जो तुम्हारी राइडिंग स्किल थी वो हमेशा याद रहेगी, मजा आएगा ओवरऑल। आई थिंक ये दूसरी या तीसरी बार मेरा नाइट राइड हो रही है, पर ऑसम एक नंबर, मतलब तरीके वाले। लेकिन एक चीज थी राजस्थान के बाद में थोड़ा अंधेरा हो गया तो थोड़ा व्यू मिस कर दिया हमने। कोई नहीं, हम जाते समय कैप्चर कर लेंगे यार, ऐसी कोई टेंशन नहीं, आपको व्यू पूरा दिखाएंगे, हम भी खुद देखेंगे, मतलब आपको दिखाने ज्यादा हम खुद ज्यादा क्यूरियस है ना, क्योंकि यहाँ पे यहाँ का जो व्यू है ना बहुत ही अमेजिंग है। हर एक पहाड़ी को आप देखोगे अलग ही दिखता है यार, हर एक मोड़ के बाद अलग दिखता है एंगल उसका। चलो ज्यादा नहीं कहूंगा, जो सभी कॉपी कर लिया हमने,
और खाना वगैरह? खाना वगैरह बस खाएंगे थोड़ी देर में, भूख लग गई। मिलते हैं अब आपसे, क्योंकि कल हमें जाना है यहाँ से, एक गांव पड़ता है लास्ट गांव है यहाँ का, तो फिर मुलाकात करते हैं आपसे, तब तक राम राम।